मधुर भजनों का आनंद लेने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना भजन को और सुनिए लेटेस्ट भजन। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं अपनी करनी के फल सब पाए। एक महलों में रहने वाली रानी है और एक घास की झोपड़ी में रहने वाली एक स्त्री है। दोनों स्त्रियां हैं पर एक महलों में रहती और एक घास की झोपड़ी में। क्यों? क्योंकि ये करनी के फल हैं। एक महलों में रहती है रानी, झाड़ू देते फिर आंसू पोंछत मेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। झाड़ू देते फिर आंसू पोंछत मेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा ना पाता, एक रोटी का टुकड़ा ना पाता। ईश्वर की विधि और ईश्वर का विधान देखिए। एक सोने की थाली में खाता है
और एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं पाता। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा ना पाता, एक रोटी का टुकड़ा ना पाता। हाथ जोड़त फेरे आंसू पोछत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। आंसू पोछत फेरे हाथ जोड़त फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। सवारी करता, किसी को दोष देने के कोई फायदे नहीं। यदि यदि ईश्वर ना होते और विधान ना होता तो सब एक से ही होते, फिर कोई राजा है कोई रंक है ऐसा क्यों होता? ये अपने कर्मों के कारण ही तो है। हाँ, एक मोटर की करता सवारी, एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों में फेरता भिखारी, एक सड़कों में फेरता भिखारी। हाथ जोड़त फेरे भीख मांगत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। हाथ जोड़त फेरे भीख मांगत फेरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान काल है, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए, अपनी करनी के फल सब पाए, अपनी करनी के फल सब पाए।